मिस्टर महबूब अली, मेरा नाम है। तो ये आपको मिला नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड क्या बात है, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी से। वेरी गुड। तो ये लंदन से अवार्ड मिला है इनको ये पीस के लिए। देखिए 7 साल लगे शॉल को बनाने के लिए। मैंने बुक भी दिखाया सर। ये फ्रंट साइड। वाओ, नाउ इट लुक्स ब्यूटीफुल। फ्रंट ये कितने की है, पूरा काम किया हुआ? 110। ये 1,10,000 की है। और इस टाइप की फुल जो काम किए शॉल्स है 60,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। वेरी गुड। इनमें तो ये 42,000 की है, प्योर पश्मीना है ये भी मटेरियल, और जो काम हुआ है उसके बाद 42,000। वेरी नाइस। वेलकम टू ट्रेवल टाइड्स। मैं हूँ गौरव। मैं हूँ अर्जुन। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिस्टर महबूब अली, मेरा नाम ही है। तो ये आपको मिला नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड है, क्या बात है। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी से। वेरी गुड। तभी फोटो ऊपर है सर। हाँ, अब हमारे घर में 4 क्यों है, ये हमारी 4 पुश्तें हो गई, 5 भी चल रही है। दादाजी ने कब लिया, उस वक्त प्रेसिडेंट था आर विकटरमन। पिताजी ने लिया प्रणब मुखर्जी से, ये जो सामने भाई है इसने लिया शंकर दयाल शर्मा से, मैंने लिया अटल बिहारी वाजपेयी, तभी इसमें 4 है, नहीं तो 4 नहीं मिलते। ये शिलुप गुरु है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, गोल्ड मेडल है। शिलुप गुरु का गोल्ड मेडल मिनिस्ट्री की तरफ से होता है, यहाँ पे नहीं, दिल्ली में मिला है। अच्छा, यहाँ पे ये है, ये यहाँ स्टेट का है। जबरदस्त एकदम। तो बहुत अच्छा रहा आप हमें लेकर आए यहाँ पे, इनको मिले भी उससे, इनसे मिलने का आपका मौका मिला। हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट लंदन में इंडिया की तरफ से पहला बंदा है। अच्छा। तभी ये सर्टिफिकेट लगे हुए सारे। 7 साल में कंप्लीट हुआ शाल। शाल जो भी यही है उसको भेजना ही नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे वो शाल नहीं, उनको उन्हें भी देना है लंदन वाले। वहाँ पे पूरे वर्ल्ड से 1500 से ज्यादा कारीगर आए थे। अच्छा। उन्हीं कारीगरों को अपना अपना काम करना था, फिर उन्हीं कारीगरों को चुनना था सबसे अच्छा कारीगर कौन है। तो 7 साल से ये शॉल बन रही है। शॉल भी यही है। अगर आप कहेंगे खाली इसमें कवर कितने है शॉल आपका है। तो इसको कितना टाइम हो गया बनते हुए? 7 साल। इसका बुक भी मैं दिखाऊं। 7 साल से बन रही है अभी। फिर आपको पता चलेगा ना आप किस जगह पे हैं। ये वो शो पटरी वाली नहीं है सर। ये है सर, कौन से बुक है, मैगजीन की है ना, 2015 में आ गई थी ये। तो 7 साल लगे हैं इस शॉल को बनने में। जबरदस्त है। वेरी नाइस। आपकी तरफ से फ्रंट साइड है, उसकी तरफ से बैक साइड है। ये है सर, ये है फ्रंट साइड, ये फ्रंट साइड। वाओ, नाउ इट लुक्स ब्यूटीफुल। दिस इज द रियल। ये यही पीस है सर, तब से बना रहा है। अच्छा, मेक इन इंडिया बुक में है। बिल्कुल। ये मैं हूँ, ये भाई है, ये पिताजी है, यही कारखाना जहाँ पे आप पड़े। बहुत ही बढ़िया। दो तीन शर्तें रखी हैं, एक तो कारीगर का नाम लिखो, दूसरा किस देश से आपने लिया है, ऊपर से आपको जो आपको म्यूजियम में तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे कस्टमर आए, उन्हें मत दे, उन्हें खा नहीं मत दे। अब हम बैठे हैं, हम दिखा रहे हैं उसके बाद हमारे पास। ये भी म्यूजियम है। हुनर आपके जनरेशन से मिली जा रहा है। ये था हमारे, ये तो फैमिली से मिला हुआ, खानदानी मिला हुआ। लवली। जिन चीजों पे हम काम करते हैं उनके जो कलर बचते हैं ना, वो बचा के रखते हैं। क्यों रखते हैं कि हो सकता कभी ये चीज कट जाए या कोई मतलब कीड़ा खा जाए, तो उस वक्त हम लोग उनको ये बोल के देते हैं कि अगर आपको कभी भी इसमें कुछ नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, कट हो जाए, क्या हो जाए, रिपेयर के लिए आप इसको हमारे यहाँ खुद देखिए, क्योंकि इसके कलर हम बचा के रखते हैं, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, चाहे 10 साल, चाहे 15 साल के बाद आप इसको वापस कर सकते हैं, हम इनको आपको रिपेयर करके देंगे। रिपेयर ऐसा हो जाएगी क्योंकि जो कलर है ये हमारे पास पुराना अभी होता पड़ा है, वो हाँ। पुराना होता जाता है, तो शाल आपके पास पुराना होता जाता है, इसका भी फर्क आ जाएगा कलर का, शाल का भी कलर का फर्क आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब हम रिपेयरिंग करेंगे तो सेम धागा निकल जाएगा, वो नहीं दिखेगा फिर, ये धागा इसका नहीं है। इस यही रीजन है कि हम ये धागे बचा के रखते हैं। हमारी फैमिली ने पहले से स्टार्ट किया हुआ है, धागे बचा के रखा है। हो सकता उन्होंने हमारे बुजुर्गों ने ये बोला है, कोई भी चीज अब जब काम पे लगाओगे तो उसका धागा जो है एक्स्ट्रा लेके रखना, डाई एक ही बार होता है और डाई एक ही बार होना चाहिए। कलर जो भी आप कलर लगाओगे एक ही बार डाई, यानी कि पतले में एक ही बार डाई हो, दूसरे बार नहीं चलाना। दूसरे बार चलाओगे तो वो फिर सेम नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार जो ड्राई हुआ है वो फिर इसमें लगा के इसका धागे जो बचेंगे वो बचा के रखिए। बचा के रखने में ये फायदा है, कल अगर उस शॉल को कुछ हो जाए आप इसको ठीक कर सकते हैं। यही रीजन है, मतलब उन्होंने जो बताया क्यों बचा के रखना है। 35 कलर से भी ज्यादा है यहाँ पे।
कोई अलग नहीं। तो अभी हम तो नहीं जज कर सकते आपको बिल्कुल भी उसमें, आप बताइए कितने कलर्स हैं उसमें। बहुत सारे। कितने होंगे तकरीबन, कितने होंगे? कम से कम देखिए असली कलर जो है 25 है, शेड साथ ही है। मैंने कहा यही होती है कारीगरी। यहाँ पे जितने फूल है उन एक एक फूल मैंने यहाँ पे चुन लिया। सब फूल में एक एक तीन तीन कलर है। ये देखो बाहर एक है, यही फूल यहाँ पे। तो इसका मैंने सैंपल यहाँ पे बनाया। 25-30 कलर यहाँ पे होंगे, गिन के ले लीजिए। अच्छा। जबकि दूर से लगेंगे दो ही कलर, मैं गिन के ले लूंगा। और उसमें जो आपने बताया 7 साल लगे आपको बनाने, मल्टी कलर वाला मल्टी कलर है। मैंने कहा जैसे ये मल्टी हुआ, ये हुआ सूफियाना। अच्छा, इतना सूफियाना, इसमें भी 30 कलर लगी हुई है। लेकिन कोई अलग नहीं लटकाया है, क्योंकि शॉल भी पुरानी हो रही है। तो हम इसको बचा के भी रख सकते हैं, फ्रेश लगेगा ना अगर किसी अच्छा जगह पे हम इसको। तो ये है पश्मीना की स्टोल जो आपने बोला कितने की है? 7.5। ये 7.5 की है, प्योर है एकदम विद सर्टिफिकेट। मगर अब वो डिपेंड करता है कितना इस पे काम हुआ है, तो एक्सपेंसिव हो सकती है 10-20 लाख तक जा सकती है। अच्छा, ये है शॉल 10.5 हज़ार का है। अच्छा, बट अब इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई 6 महीने की, उसके प्राइस पे चढ़ा है। अच्छा, तो ये कितने की है विद एम्ब्रॉयडरी? 42,000 की है ये विद एम्ब्रॉयडरी। कम काम होगा तो प्राइस कम होगा, इससे ज्यादा काम होगा तो इससे ज्यादा प्राइस। वेरी गुड। तो ये 42,000 की है, प्योर पश्मीना है ये भी मटेरियल, और जो काम हुआ है उसके बाद 42,000। वेरी नाइस। वो शॉल है आपके पास जो है? ऐसे में स्टोल भी? ये जो है ये प्योर पश्मीना है शॉल। ये कितने की बोली आपने? कौन सी वाली? 10.5 हज़ार। ये 10.5 हज़ार रुपये। वेरी नाइस सर। ये देखो ये स्टोल है, सेम कलर सेम है। ये प्योर है, ये 100%। ये शॉल है, स्टोल है? ये स्टोल। हाँ, वो शॉल ही लो। क्यों? स्टोल लेनी है? तो बट दैट वाज लुकिंग वेरी नाइस। दैट वाज वेरी नाइस। लेंथ शॉल और स्टोल की सेम रहती है। स्टोल की विड्थ 28 इंचेस होती है, शॉल की 14 इंचेस। अच्छा, सिर्फ विड्थ का फर्क है। लेंथ दोनों में 88 इंच। तो ये जो है ये प्योर पश्मीना, इसकी इन्होंने टेस्ट बताया, जैसे बहुत रॉ है मटेरियल, बहुत रॉ है। इसमें बाल भी दिखेंगे आपको। हाँ जी, अब ये देखिए, ये है ये जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं, ये गोट का, जब गोट से आता है तो ये आता है पहले। तो ये है, ये गोट से आता है, इसका फिर थ्रेड बनता है। नहीं नहीं, ये वाले कुछ बाल इसमें रह जाते हैं कटाई के दरमियान, यही आपको इसमें दिखेंगे। अच्छा, ये इसको निकाल भी सकते, 100% नहीं निकाल सकते, लेकिन पूरा नहीं निकलता है, कितना भी कोशिश करेगा पूरा नहीं निकलेगा। इसके बाद कहीं तो रिफाइन होके ऐसा जाता है। अच्छा, तो जो रॉ पहले जो वूल आता है गोट का, वो ऐसे होता है, ऐसा होता है। तो ये जो ऊपर जो ये हेयर दिखते हैं, हॉर वाले बाल निकालने पड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये हॉर होते हैं। अच्छा अच्छा, और बाद में जब ये शॉल भर भी जाती है, फिर भी थोड़े आपको देखिए काफी रॉ दिखेगा, थोड़ा दिखेगा, कहीं कहीं दिखेंगे। ये इसके बाद हो गया, ये थोड़ा फिनिशिंग आ गया बाल निकालने के बाद। उसके बाद ये धागा बना, फिर उसके बाद ये इसकी शॉल बनती है। तो आगे कुछ छोटे से इसमें डालते हैं, और फिर शटर में जो आपने अंदर लूम में देखा, उसमें से यू वीव करते हैं। जो ये कलर है, ये अनडाइड कलर है, ये नेचुरल कलर है, ये दो। इसके बाद जो भी इसमें कलर्स है वो पहले डाई करते हैं, फिर वीव में इसमें चढ़ाते हैं। तो ये भी प्योर पश्मीना है, इसके ऊपर सारा प्योर पश्मीना, नीचे का भी फैब्रिक जो पश्मीना में लगा हुआ है, उसके बाद वर्क जो है ये वर्क किया हुआ है। तो इसका कुछ खासियत है वर्क को, क्या ये जो वर्क है? सोजनी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सुई से काम किया जाता है, तो उसका जो आर्ट है, फॉर्म ऑफ आर्ट है, उसको सोजनी बोलते हैं। जो आपने अंदर देखा वो हेवी पीसेस जिनमें साल दो साल इस टाइप के होते हैं। ये कितने की है पूरा काम किया हुआ? 110। ये 1,10,000 की है। इस टाइप की फुल जो काम किए शॉल्स है 60,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। वेरी गुड। जिनमें बिल्कुल कपड़ा बहुत कम दिखेगा। बाकी जो आपको वो दिखाया था मैंने 42,000 का, ये वाला, इसमें आपको बहुत गैप दिखेगा, इसमें जगह है काम। दिस इज ब्यूटीफुल। ओके, तो ये हमने लिया, एक ये लिया है नेट ऑफ, हाँ। नेट का है ऊपर, सारी जो चीजें सब में हैंड वर्क हुआ है। नहीं नहीं, इसमें हैंड वर्क, ये मशीन में है, ये मशीन वाला है, हैंड वर्क ये हैंड वर्क का है, ये हैंड वर्क है, ये प्लेन कुर्ता है, प्योर पश्मीना, ये 100% प्योर पश्मीना है, शॉल है। वेरी नाइस। सो टोटल हमारा जो बिल आया, टोटल कितना था वैसे? 19,600 तो 19,600 का था, 1,200 डिस्काउंट दिया और पड़ा हमें 18,400 का। सो इसमें मेन जो कॉस्ट है वो पश्मीना की है, ये 10,500 का। तो इसमें कोई काम नहीं हुआ, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बस प्लेन
पश्मीना है वो हैंड वोवन स्ट्राइप और हैंड वोवन स्ट्राइप्स हैं इसमें। अच्छा तो पश्मीना जो आप प्योर हमने शॉल्स भी देखी हैं उस पर कोई काम नहीं है, वो आप यहीं बनाते हैं? अच्छा तो जो हमने शॉल भी लिया अंदर वो इसी लूम पे बनी है? ये तो पूरा जाम आया, इसने जिम्मा लिया इसी को पूरा करना है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे इसकी छपाई जो मैंने देख रही है इसकी सैंपलिंग यहाँ पे है, ये जो बनेगा तो ये। अच्छा ये तो ये पश्मीना है, इसके ऊपर पहले छपाई होती है और उसको फिर पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, मतलब एक शाल में कुछ इससे भी ज्यादा फ्रेंडली है। अच्छा जिनका टच है यहाँ पे, ये मतलब रुआ कहाँ से आता है, लद्दाख से आता है, इसकी जो कताई करने वाले वो अलग है, इसकी जो ताना बाना बुनने वाले जो अलग है, इसकी जो ये है ये सारा अलग है, छपाई करने वाला अलग है, नक्शा बनाने वाला अलग है, वो भी अलग है, प्रेस करने वाला अलग है, डाई करने वाला अलग है, धागा जो बेचने वाला वो अलग है। एक शाल वेरी नाइस। तो आपको ये तकरीबन कितना टाइम हो गया बनाते हुए ये वाली शॉल? अभी इसमें कम टाइम होगा, कम टाइम होगा, इससे पहले मैंने बहुत शॉल बनाए हैं। ये देखिए पूरा क्या करना है, ये इसकी बहुत शॉल बनाए हैं, बनाते रहते हैं, इसका सैंपलिंग यहाँ पे ये बनाना, ये जब तक हाथ चलेगा धम चलेगा हाथ में, जब तक धम रहेगा तब तक हम कहेगा काम करते रहेंगे, जबरदस्त है एकदम। तो फिर भी ये शॉल बनाने में कितना टाइम लग जाएगा आपको इसको? ये दो साल लगेगा इसको। सो दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और सीखने को भी मिला। तो बस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।